गया, छप्पर बनाया गया और वहाँ पे अब क्या बनाई गई है, मस्जिद। और उस मस्जिद का क्या नाम रखा गया है, मस्जिद है अरीश। बोलना पड़ेगा मस्जिद है अरीश। ये आपके सामने मस्जिद है अरीश। यहाँ पर अल्लाह के नबी का खेमा था और अल्लाह के नबी ने जो ये दुआ मांगी ना, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई ये 313 है, वो दुआ भी इसी मस्जिद पर। और जब अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी तो फिर अल्लाह ने क्या भेजे थे, फरिश्ते। वो जो सामने पहाड़ है वो जबले मलाइका है, जबले मलाइका जिस पर क्या उतरे थे, फरिश्ते उतरे थे। जबले मलाइका, मस्जिद अरीश और ये मैदान बदर है। वहाँ वो मस्जिद का मीनार देख रहे हैं आप, उससे करीब है कब्रिस्तान। अच्छा, कब्रिस्तान से लेकर ये सारा जंगे बदर का मैदान था, ये सारा जंगे बदर। और मैंने एक और बात बताई थी कि मुशरिकीन ने अपने खेमे किस जगह पे लगाए थे, पथरीली जमीन पर। किस जगह पर, इस तरफ मक्का है और उनके खेमे इस तरफ थे। किस तरफ थे, इस तरफ थे। और ये सारी जगह जो है रेतली है और अभी भी रेतली है। मुसलमानों के खेमे इस तरफ थे। फिर अल्लाह की तरफ से क्या आई थी, यहाँ पर बारिश आई थी। सहाबा इकराम ने फिर अपने खेमे लगा लिए और फिर अल्लाह के नबी ने जब लाइनें सीधी फरमाई थी तो इस मैदान बदर में क्या किया था, लाइनें खींची थी और फरमाया यहाँ कौन मरेगा, यहाँ कौन मरेगा। हुजूर ने बताया था ये मैदान बदर, ये मस्जिद अरीश और वो जबले मलाइका। अभी आपकी एक जियारत बाकी है, कौन सी भला, कब्रिस्तान शुहदाए बदर का कब्रिस्तान। कितने सहाबा शहीद हुए थे, 14। कितने, 14। कुफार कितने मारे गए थे, 70। और कितने कैदी हुए थे, 70 के लिए। तो यहाँ पर एक कुआं था, नई बात सुने और फिर आप, गर्मी तो नहीं लग रही ना, यहाँ पर एक गंदा कुआं था, गंदा कुआं। अल्लाह के नबी ने 24 जो बड़े काफिर थे ना, अबू जहल, उतबा, शेबा, वलीद बिन उतबा, ये कुरान मजीद की तफसीर है, तफसीर नईमी में आप पढ़ सकते हो जाके, अल्लाह चौथा सपारा। अल्लाह के नबी ने 24 बड़े काफिरों को उठवा कर उस कुएं में डलवा दिया और अल्लाह के नबी और हजरत उमर ऊपर खड़े थे और अल्लाह के नबी खामोश खड़े थे। अल्लाह ने फरमाया हबीब इनसे कहो, क्या कुरान की आयत सुनिए, वनादा असहाबुल जन्नती असहाबन नारी अन कद वजदना मा वादा रब्बुना हक्कन फहल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का। अब सुनिए अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह ने फरमाया हबीब इनसे कहो, किन से, जो अंतर पड़े हुए थे, क्या कहना था। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे रब ने जो मेरे साथ वादा किया था वो तो पूरा कर दिया।